ये राहुल गांधी जी की पुरानी आदत है, जब भी देश के साथ खड़े होने का वक्त आता है उस समय राहुल गांधी देश से नदारद रहते हैं, देश के साथ खड़े नहीं होते हैं और पूरे देश की भावनाओं को आहत करते हैं। पुलवामा आतंकी हमले की आज पहली सालगिरह है। ऐसे में जहां पूरा देश इस आतंकी हमले में शहीद हुए 40 जवानों को श्रद्धांजलि दे रहा है, वहीं इस अवसर पर राजनीति गलियारों में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पुलवामा हमले की पहली सालगिरह पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी और फिर ट्वीट कर 3 सवाल पूछे। आज जब हम पुलवामा आतंकी हमले में हमारे 40 सीआरपीएफ शहीदों को याद करते हैं तो हम पूछें, हमले से सबसे ज्यादा किसे फायदा हुआ? हमले में जांच का परिणाम क्या है? बीजेपी सरकार में से अभी तक किसको सुरक्षा में हुई चूक के लिए जवाबदेह ठहराया है? इस मुद्दे पर बीजेपी ने राहुल गांधी और गांधी परिवार की खूब निंदा की और शहीदों पर राजनीति करने का आरोप लगाया। संबित पात्रा ने कहा, गांधी परिवार फायदे से आगे नहीं सोच सकता और इस बात पर उन्हें माफी मांगनी चाहिए। आज जो कमेंट राहुल गांधी का आया है वो शर्मनाक कमेंट है। आप बेनिफिट्स की बात कर रहे हैं, आप शहीद में भी, आप हमारे जवानों के बीच भी फायदा देखने की कोशिश कर रहे हैं। जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था उस समय आप सबूत मांग रहे थे, जब एयर स्ट्राइक हुआ था उस समय आपने इस पर विश्वास नहीं किया, आप इस पर सवाल उठा रहे हैं और फायदे के बारे में पूछ रहे हैं। मुझे लगता है राहुल गांधी जी को तुरंत क्षमा मांगनी चाहिए और अगर राहुल गांधी जी में ये साहस नहीं है तो मैं कांग्रेस अध्यक्षा से ये डिमांड करता हूं कि अध्यक्ष के नाते सोनिया गांधी जी पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के बयान पर क्षमा याचना करें। जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था उस समय आप सबूत मांग रहे थे, जब एयर स्ट्राइक हुआ था उस समय आपने इस पर विश्वास नहीं किया, आपने सर्जिकल स्ट्राइक को खून की दलाली कहा था और आज जब पूरा हिंदुस्तान एकजुट होकर पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा है, नमन कर रहा है वीर शहीदों को, आप इस पर सवाल उठा रहे हैं और फायदे के बारे में पूछ